15 जून को सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है बिपरजॉय तूफान। गुजरात में अलर्ट पर सरकारी तंत्र। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग लगातार बिपरजॉय चक्रवात को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है। IMD ने कहा है कि आने वाले समय में बिपरजॉय एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। वहीं 15 जून के आसपास इसके उत्तर की ओर बढ़ने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्र ने बताया, बिपरजॉय चक्रवात का केंद्र अरब सागर के केंद्र में है। यह पोरबंदर के दक्षिणी पश्चिम में लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा पूर्वानुमान इसके उत्तर में बढ़ने का है। यह 15 जून की दोपहर तक कच्छ के तट को पार करेगा। इसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा का पूर्वानुमान लगाई गई है। डॉक्टर महापात्र ने समाचार एजेंसी ANI को बताया, बिपरजॉय चक्रवात से 15 जून को सबसे ज्यादा खतरा है और सभी लोग घर के अंदर सुरक्षित स्थान पर रहें। चक्रवात के आने से पेड़, बिजली के खंभे, सेल फोन टावर उखड़ सकते हैं, जिसकी वजह से बिजली और दूर संचार में व्यवधान आ सकता है। इसकी वजह से खड़ी फसलों का भी नुकसान होगा। वहीं गुजरात के एक अधिकारी पार्थ तलसानिया ने बिपरजॉय चक्रवात को लेकर कहा कि तूफान के मद्देनजर हमने तैयारी कर ली है। तूफान के बढ़ते ही हम लोगों को दूसरे स्थान सुरक्षित लेकर जाएंगे। समुद्र तट पर प्रशासन तैनात है, बोट सर्विस बंद है, 20 टीम फील्ड पर तैनात है, पेट्रोलिंग चल रही है, अभी गोमती घाट पर जाने पर मनाही की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर श्रद्धालुओं से निवेदन है कि द्वारकाधीश मंदिर में जब आप आए तो सिर्फ मंदिर के दर्शन ही करके चले जाएं और गोमती घाट पर नहाने की इच्छा न रखें। बिपरजॉय चक्रवात के चलते केरल के त्रिवंतमपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलपुच्छा, कोट्टायम, इडुक्की, कोझिकोड और कुन्नूर सहित केरल के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तूफान से पहले एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीम को पोरबंदर, गिर सोमनाथ और वलसाड के समुद्री तटों पर तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।